हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की रेसिपी बहुत ही यूनिक बनने वाली है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कप दूध लेंगे। ये केक है बिना मैदा, बिना ओवन, बहुत ही आसानी से बनने वाला। तो एक कप दूध लिया हमने, और अब हम इसमें चीनी डालेंगे 4 चम्मच। और अब हम इसमें डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। दूध पकने लगे तो थोड़े से दूध, गरम दूध में हम कस्टर्ड पाउडर मिक्स करेंगे। ये देखिए थोड़ा सा दूध, और अब हम इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। लंग्स ना बना रहे इसलिए हम इसे अच्छे से थोड़ा देर चला के इसे मिक्स कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से ये तैयार है, और अब हम इसको दूध में डाल देंगे। तो फटाफट हम करते हैं। ये देखिए दूध पकने लगा है, अब हम इसमें डाल देंगे इसको थोड़ा देर। एकदम मीडियम फ्लेम रहना चाहिए, एकदम लो फ्लेम कर दीजिए, बल्कि इसको चलाते जाएंगे। ये एकदम इसका टेक्सचर एकदम क्रीमी हो जाएगा। ये देखिए हमारा क्रीम तैयार हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे। इस तरीके से ये क्रीम तैयार हो चुकी है, इसको चलाते जाएंगे। और अब इस क्रीम को एक हम बाउल में निकाल लेंगे। उसी बाउल में हमने निकाल लिया इस क्रीम को, और अब हम एक कटोरी में थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर लेंगे और थोड़ी सी चीनी, और इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स करेंगे हम। ये थोड़ा हॉट वाटर है, गर्म पानी, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम इसमें थोड़ा सा मिल्क पाउडर डालेंगे क्रीमी बनाने के लिए। इस तरीके से। और अब हम यहाँ पे लेंगे ब्रेड। तो आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने लिखा है डिस्क्रिप्शन में, वैसे ही बन रहा है ये। तो अब हम इसके साइडों को थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे। इस तरीके से हम कट कर देंगे। अब ये दूसरी साइड, आप ये केक कभी भी बना सकते हैं, और ऐसा आइटम है इसमें कि आपको आसानी से मिल जाएगा। आपको बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं, ना ऑनलाइन कुछ मंगाने की ज़रूरत है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ये सब नहीं पाते, वो भी आसानी से अब घर बैठे केक बना सकते हैं मेरी रेसिपी देखकर। तो ये देखिए ये ब्रेड के साइडों को हमने काट दिया है, और अब हम लेंगे ये क्रीम नाइफ पे, ऐसे फ्लैट नाइफ हो, और इस पे लगा देंगे अच्छे से। ये देखिए इस तरीके से। और अब हम दूसरा रखेंगे इस पे इस तरीके से ये, और अब इस पे हम ये चॉकलेट वाली क्रीम लगाएंगे। ये देखिए अब इसको चारों तरफ फैलाने के बाद दूसरा ब्रेड, और फिर से इस पे ये क्रीम वाला टेक्सचर। अब हम इस पे फिर से लगा देंगे, और अब हम इस पे रख देंगे ब्रेड फिर से। फिर से इस पे कॉफ़ी वाला क्रीम डालेंगे या फिर चॉकलेट क्रीम। एंड तक वीडियो देखिए और अच्छे से जानिए कैसे बनेगा। हम अपने बच्चों के लिए कभी भी बना सकते हैं। अब साइड में ये वाली क्रीम बची है तो हम इसको लगा देंगे इस तरीके से। अगर आपके पास स्टैंड हो, स्टैंड पे रख के बनाइए, वरना ऐसे हाथों में आराम से बना के बचा के हम रख सकते हैं।
ये देखिए, अब हम धीरे धीरे इसके साइडों को सही कर देंगे अच्छे से। परफेक्ट केक तो नहीं, लेकिन हम अपने छोटे मोटे बच्चों के लिए कभी भी बना सकते हैं हेल्दी और आसानी से बनने वाला केक। तो ये है मेरी व्हिपिंग क्रीम की पैकेट, जिसे हमने खुद से बनाया है। अगर आपको जानना है कैसे बनेगा तो कमेंट में लिखिए। जिसके पास नोजल ना हो वो ऐसे आसानी से बना सकता है। ये देखिए, अब हम इस पर डिजाइन बनाएंगे। और ये बीच में हम बना देंगे। और अब हम इसमें साइड साइड से भी इस तरीके से, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये तैयार हो चुका। और अब हम इसमें थोड़ा सा और इसको टेस्टी और ब्यूटीफुल दिखने के लिए इस पे चेरी लगा देंगे। चेरी लगाने के बाद हम इस पे, ये देखिए, अगर आप इसमें थोड़ी सी डेकोरेटिंग और चाहते हैं, अगर आपके पास टूटी फ्रूटी हो, तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको साइड में लगा देंगे। इस तरीके सभी साइडों में लगा देंगे। अब हम आपको कट करके दिखाएंगे केक कितना प्यारा बना है। और अब आप कभी भी बनाइए केक और खाइए। ये देखिए, हमारे केक तैयार है। और इस तरीके से हमारा केक तैयार हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगली वीडियो देखने के लिए कमेंट कीजिए। इस तरीके से केक तैयार है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।